जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ, और वो जानकारी आपको दे रहा हूँ कि पंचांग क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तिथि और बार कैसे बनते हैं और उनका पंचांग में क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है, और पंचांग में हमारी जो दैनिक रोज की जरूरत की जो हमारे जो एक सामग्री होती है वो हम किस हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। अब ये पंचांग का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में आपको हम नक्षत्र के बारे में बताएंगे, करण के बारे में बताएंगे और योग के बारे में बताएंगे। तो आज अध्याय हम लेते हैं करण का, कि करण क्या होते हैं, करण का मतलब क्या है, करण से हम क्या देखते हैं और करण हमारी ज़िंदगी में किस तरह अपना प्रभाव दिखाता है। तो मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल को जिसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन को दबाएं जो आइकॉन है इसमें, और आप इसको लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो मित्रों, आज का जो मैं अध्याय है, ये अध्याय हमारा है करण के ऊपर, कि करण क्या होते हैं, करण का मतलब क्या है, और ये अध्याय हम जो है पंचांग कैसे देखें या पंचांग क्या होता है उसके अंतर्गत आपको हम दिखा रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको बताते हैं करण के बारे में। जैसे एक तिथि का मान तिथि बराबर 60 घटी, उसी प्रकार नक्षत्र बराबर 60 घटी और करण बराबर 30 घटी। ये जो मैंने आपको घटी की संख्या लिखी है ये अनुमान तय होती है, लगभग मानते हैं, थोड़ा इसमें कमी बेसी कुछ ज़्यादा या कम प्लस माइनस हो सकता है। तो जब एक तिथि हमारी 60 घटी की होती है, करण हमारा 30 घटी का होता है, तो इसका मतलब एक करण की जो समय सीमा है 12 घंटे होती है, पूर्वाध और उत्तरार्ध 24 घंटे में, एक पहले पूर्वाध करण आएगा उसके बाद उत्तरार्ध करण आता है। तो इस प्रकार एक दिन के अंदर दो करण चलते हैं, और एक करण का जो मान है 30 घटी यानी करीब करीब 12 घंटे, 12 में पौने 12 घंटे भी हो सकता है, सवा 12 घंटे भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये हमारे गोचर के ऊपर डिपेंड करता है कम और ज़्यादा होना। हमारे करण कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा भव करण होता है, दूसरा बालभ होता है, तीसरा कौलभ है, चौथा तैतिल करण है, उसके बाद गर करण आता है, बणिज आता है, बिष्टि आता है, शकुनी आता है, चतुष्पद आता है, नाग आता है, किष्टगुण आता है। अब आपने देखा होगा मैंने इसको अलग अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखे ये अलग लिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो करण है ये है चल, चल मतलब चलने वाले, चर चर अवस्था होती है इनकी, तो ये मतलब चलते रहते हैं ये, इसलिए ये चर करण है। और ये शकुनी, चतुष्पद, नाग और किष्टगुण, ये जो चार करण होते हैं ये स्थिर करण होते हैं। अब मानो एक दिन में दो करण आते हैं, तो हमारा जो महीना होता है, हमारा जो महीना होता है मास, वो होता है 30 दिन का, 30 दिन गुणा दो करण बराबर 60 करण एक महीने में आते हैं, एक महीने में 60 करण आते हैं। अब 60 करण कैसे काम करते हैं महीने के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कि करण कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये शकुनी, चतुष्पद, नाग और किष्टगुण चार करण ये स्थिर कर रहे हैं, ये अपनी जगह स्थिर हैं, अपने समय पर स्थिर हैं, ये उसी समय आएंगे महीने में जिस समय ये आते हैं, ये ना आगे आते हैं ना पीछे आते हैं। ये जो बाकी करण हैं भव, बालभ, कौलभ, तैतिल, गर, बणिज और बिष्ट, ये करण चलायमान है, ये चलते रहते हैं।
बाबा आएगा पहले पूर्वाध मुतराध में बालव जाए बालव आएगा बालों के बाद फिर कौरव आएगा कहते लाएगा घर आएगा बने जाएगा विष्ट आएगा उसके बाद फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। महीने के आखिर में ये चार नक्षत्र ये करण आते हैं और कैसे आते हैं आपको बताता हूँ मैं कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष बनता है तो अमावस्या से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें उत्तरार्ध के अंदर शकुनीकरण होता है, उत्तरार्ध में शकुनीकरण होता है और अमावस्या के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब उतरता हुआ, मतलब ये रात के समय आता है तो सुबह के समय चतुष्पद आ जाता है, दिन में चतुष्पद रहेगा रात को फिर नाग आ जाता है, सुबह फिर किष्टगुण आ जाता है, तो ये किष्टगुण आएगा जो हम पड़वा बोलते हैं प्रथवा बोलते हैं उस दिन आता है। तो इनकी जो स्थिति है वो स्थित रहती है, ये जहाँ है वहीं आएंगे, हर महीने में उसी समय आएंगे। ये अमावस्या से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है इसके उत्तरार्ध में आएगा, मतलब अगर दिन में रात में आएगा उसके बाद सवेरे ये शाम को ये फिर सवेरे ये, तो इस तरह इनकी जो स्थिति है वो स्थिर है, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है इसलिए इनको स्थिर कहा गया है। ये जो करण है इनका जो मैंने आपको बताया चलते रहते हैं चार है ये नहीं रुकते हैं, तो महीने में ये सिर्फ चार दिन चार बार आते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार, मतलब ये चार करण बनते हैं जो महीने में स्थिर हैं। और बाकी ये जो करण है इनका अब जैसे 60 करण है, चार हमने ये स्थिर करण निकाल दिए, अब जैसे 56 करण बचते हैं, अब 56 करण बचते हैं तो उसमें अगर हम भाग देते हैं 7 का, कि हमारे 7 करण है ये, इसमें अगर 7 का भाग देंगे तो बराबर आता है 8। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो करण है ये महीने में 8 बार आते हैं, ये 8 बार आएगा, ये 8 बार आएगा, ये 8 बार आएगा, ये सब 8-8 बार करण आते हैं और ये सिर्फ एक एक बार आते हैं। आप समझ में आया आपको कि जो करण है ये स्थिर है, ये जहाँ अपनी जगह रहते हैं ये करण चलाए माने चलते रहते हैं, ये महीने के अंदर 56 बार आते हैं और ये सिर्फ 4 बार आते हैं। ये तो इस करण का जो गोचर है वो मैंने आपको बताया है, इस करण का गोचर क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये जो शकुनी चतुष्पद राग और किष्टगुण जो करण है ये चारों करण अशुभ होते हैं, इन चारों करण में स्थिर कारक है लेकिन अशुभ होते हैं, इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य कोई मुहूर्त कोई नया काम कोई बांध खरीदना मकान बनाना नहीं कोई काम हम नहीं करते हैं। ये जो करण आते हैं यहाँ से लेकर के और ये 6 नंबर तक जो लक्ष्मी लिखा हुआ है यहाँ उनका, तो यहाँ तक जो करण आते हैं ये करण सब शुभ होते हैं, ये सारे करण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये शुभ करण है। इसमें जितने भी काम होते हैं हमारे मकान बनाना विवाह है शादी है मुहूर्त है किसी तरह का शुभ काम करना है बांध खरीदना है कोई हमने मकान खरीदना है प्लॉट खरीदना है नींव रखनी है, तो ये जो करण है सारे ये शुभ हैं। बाबू बालव कौलव तैतल गर और बणिज, इसमें एक करण रह जाता है बिष्ट, ये जो बिष्ट करण है जो आपने कभी देखा होगा नहीं देखा हो तो मेरे जो ब्राह्मण भाई पंचांग देखते हैं जिनको पंचांग का ज्ञान है उसको बता देता हूँ कि ये भद्रा होती है, ये भद्रा हर तीसरे दिन चौथे दिन जरूर आती है पंचांग के अंदर, हर तीसरे दिन या चौथे दिन और ये भद्रा 12 घंटे रहती है, अगर रात में आएगी जैसे 9 बजे सवेरे 9 बजे तक करीब करीब रहेगी और दिन में 9 बजे आती है तो रात को 9 बजे तक रहेगी। एक मैं अप्रोक्सीमेटली आपको समय बता रहा हूँ, ये 10 बजे भी आ सकती है 8 बजे भी आ सकती है 6 बजे भी आ सकती है, समय कोई निश्चित नहीं है क्योंकि इनकी गोचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये गोचर में कौन सा करण कब खत्म हो रहा है, तो भद्रा भी उसी हिसाब से चलती है। लेकिन ये जो भद्रा है ये हफ्ते में 2 बार आती है, 15 दिन में 4 बार आती है और 1 महीने के अंदर 8 बार आती है। हमारे पंचांगों में लिखा होता है भद्रा समय शुभारंभ भद्रा समाप्त, समय लिखा होता है समय कि कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा है, इस भद्रा के अंदर भी हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो शुभ काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये 6 करण बचते हैं, बब बालव कौलव तैतल गर बणिज और बिष्ट, इनमें हम शुभ काम कर सकते हैं। आपको मैंने बताया ये करण अशुभ होते हैं, ये करण शुभ होते हैं और ये भद्रा का करण होता है। सब करण जितने भी हैं ये सब 8-8 बार महीने में
चलते रहते हैं, आ गया फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया। आठवां इनका जो गोचर होता है, इनका गोचर सिर्फ एक ही बार होता है महीने में, ये जहाँ है वहीं रहते हैं। और आपको मैंने ये बता दिया कि तिथि 60 घटी की होती है, नक्षत्र भी 60 घटी का होता है, करण भी हमारा 60 घटी का 30 घटी का होता है, क्योंकि एक दिन में दो करण होते हैं, करण का मान जो है वो 30 घटी यानी 12 घंटे का होता है। अब उसी हिसाब से महीने में करण होते हैं 60, 60 करण में 4 स्थिर करण हो गए, बचे 56। अगर हमारे 7 करण है, 7 का अगर हमने 56 में भाग दिया 8 उत्तर आता है, मतलब ये जो करण है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये महीने में 8 बार गोचर करते हैं। तो ये हमने करण के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको उनके स्वामी बताता हूँ। बब करण है, इसके स्वामी इंद्र देवता हैं, बालक के स्वामी ब्रह्म हैं, कौलव के स्वामी सूर्य हैं, तैतर के स्वामी भी सूर्य हैं, घर के स्वामी पृथ्वी हैं, वणिज के स्वामी लक्ष्मी हैं, और जो बिष्टि भद्रा का जो करण होता है इसके स्वामी यम हैं, शकुनी के स्वामी कलयुग हैं, चतुष्पद के रुद्र हैं, नाग के सर्प हैं, कृतघ्न के वायु हैं, इनके ये स्वामी होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से करण में जन्म लेने से क्या फल होता है। तो मित्रों, बब करण में, ये जो बब करण है आपके सामने जिसके स्वामी इंद्र हैं, इसमें जन्म लेने से मनुष्यमानी, धर्मात्मा, शुभ और स्थिर कार्यों को करने वाला होता है, ये जो बब करण। दूसरा करण आता है बालक, इसमें जो जातक जन्म लेता है वो मनुष्य तीर्थ और देवताओं को भक्त होता है और विद्या अर्थ और सुख से संपन्न और राज्यमान होता है। तीसरा हमारा करण है कौलव है, इसमें जो जन्म लेने वाला है वो सबसे प्रीति और मित्र गणों से संग रखने वाला होता है और वो स्वाभिमानी होता है कौलव करण, क्योंकि किसका स्वामी सूर्य है, जहाँ सूर्य होगा वहाँ स्वाभिमान जरूर होगा। ऐसे तैतृ करण है, इसमें जन्म लेने वाला, इसका स्वामी भी सूर्य है, तैतृ करण में जिसका जन्म होता है सौभाग्य धन से युक्त होता है, सबसे प्यार करने वाला होता है और अनेक प्रकार के मकान और जमीन वाला होता है। अब आपको बताता हूँ, घर करण में जो जन्म लेता है वो कृषि करने वाला होता है, घर करण में जन्म लेता है क्योंकि ये पृथ्वी इसकी स्वामी है, वो खेती करने वाला होता है, घर के कारण में तत्पर तत्पर रहता है और वो जो जो वस्तु चाहता है उद्योग के द्वारा उनको प्राप्त करता है। अब आपको मैं बताता हूँ, बड़े जो करण है उसमें जन्म लेने वाला मनुष्य कर्म अपने जो वैश्य कर्म होते हैं, दुकान करना, व्यापार करना, वणिज कर्म जिसको कहते हैं, उस कर्म से अपना आजीविका करने वाला होता है और देशांतर में आने जाने से अभिष्ट वस्तु का वो लाभ करता है वणिज वाला। अब जिसका जन्म विष्टिकरण में होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि विष्टिकरण में उत्पन्न जो जातक होता है वो अनुचित कर्म करने वाला, मतलब गलत कार्य करने वाला, क्योंकि ये भद्रा का करण है, करने वाला होता है, परस्त्रीगामी होता है, विष संबंधी कार्य में वो प्रवीण होता है, यानी विष वैद्य होता है, सांप का जहर उतारने वाला, बिच्छू का जहर उतारने वाला, इस प्रकार के कार्य वो करता है। अब बताता हूँ आपको कि जो शकुनी होता है, शकुनी में जो जन्म लेता है वो पौष्टिक कार्य करने वाला, जैसे किसी का बंटवारा, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया किसी के साथ, मध्यस्थता करनी है, उनका बीच बचाव करना है, तो इस टाइप बीच बचाव काम करता है वो। और जो इनकाम में कुशल होता है, औषधि का निर्माण करने वाला होता है और वैद्य वृत्ति से वो अपनी जीव का चलाने वाला होता है, वैद्य माने जो ये दवाई दारू, ये देसी दवाइयों के जो डॉक्टर होते हैं, ये उनसे अपनी जीव का चलाने वाला होता है। अब आपको बताता हूँ, जिसका जन्म चतुष्पद में होता है वो मनुष्य देव और ब्राह्मणों का भक्त होता है, क्योंकि उसके सामने रुद्र है, रुद्र माने भोले बाबा, तो देव और ब्राह्मणों का भक्त होता है, गायों का सेवक होता है तथा पशुओं का वो चिकित्सक वैद्य होता है, ये भी पशुओं का वैद्य होता है जो चतुष्पद में जन्म लेता है। अब आपको मैं नाग जो करण है इसके बारे में बताता हूँ कि नाग करण में जो जन्म लेने वाला है वो जो मल्लाह होते हैं, जो नाव चलाते हैं जल में, नदी में या समुद्र में, मल्लाहों का सुचिंतक, प्रेमी, कठिन कार्य को करने वाला और दुर्भाग्य युक्त होता है जिसको नाग करण में जन्म लेता है और बड़ा चंचल नेत्र वाला होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कृतघ्न करण में जो जन्म लेता है वो शुभ कार्य में तत्पर होकर तुष्टि, पुष्टि, मंगल और अभी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो मैंने आपको इन करणों में जिसका जातक का जन्म होता है वो क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये बताया कि करण क्या होते हैं, करण कैसे बनता है, करण का मतलब क्या है और करण से हम क्या क्या देखते हैं, करण हमें किस प्रकार लाभ करते हैं और किस प्रकार हमें नुकसान करते हैं। तो मित्रों, आज ये मैंने पंचांग क्या है इसके अंतर्गत ये मेरा दूसरा अध्याय है, इसके मैंने करण के बारे में आपको बता दिया है।
पूर्ण रूप से बता दिया, विस्तृत रूप से बता दिया आपको मैंने। अब मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगा कि नक्षत्र क्या होते हैं, पंचांग में नक्षत्र का क्या महत्व है। तो ये वीडियो आज यहीं तक है। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी आपसे गुजारिश है इसको आप शेयर करें अपने मित्रों को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो इष्ट हैं, मित्र हैं, वो इसका लाभ उठा चुके, क्योंकि इसमें मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती है। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है 9910630431, दूसरा नंबर है 9645496540897। ये हमारे वीडियो के नीचे भी नंबर दे रखे हैं, इन पे हमारा व्हाट्सएप है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, आप चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो हमारे वीडियो में आप हमें कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको कोई जन्मपत्री दिखानी है, जन्मपत्री में आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। आपका उसको उचित आपको उसका सलाह दी जाएगी और उचित आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी हमें दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त करता हूं। अगला पंचांग क्या है उसके अध्याय में आपको मैं नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।